गम को खुशी में बदलना हो, या हार को जीत में बदलना हो, या परेशानी को एक मौके में बदलना हो, अगर उसकी जीती जागती मिसाल देखनी हो तो आपको देखना होगा दीपा मलिक जी को, जो इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दीपा मलिक जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि आप भारत के लिए एक सिल्वर मेडल लेकर आए। आई थिंक धन्यवाद मुझे आपका देना चाहिए कि आप हमारे खेलों को सराह रहे हैं और पैरा स्पोर्ट्स और पैरालंपिक्स के बारे में दर्शकों से बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो हमारे खेलों में है वो है अवेयरनेस की और इसकी बातचीत की। तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, मैं मेट्रो चैनल का धन्यवाद देती हूँ आपसे। जो मेरा पहला सवाल है, शॉर्ट पुट में जब आपने भारत को रजत दिलाया, उस लम्हे को किस तरीके से आप याद करते हैं? आई थिंक किसी भी खिलाड़ी के लिए जब वो खेल का रास्ता चुनता है और फिर धीरे धीरे नेशनल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आता है और फिर वो खिलाड़ी कॉमनवेल्थ खेल लेता है, एशियाई खेल खेल लेता है, एशियाई रिकॉर्ड बना लेता है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक का भी मेडल ले लेता है, तब एक लालसा और एक उम्मीद बन जाती है, अपनी खुद की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की, कि शायद अब ये खिलाड़ी ओलंपिक लेवल पे भी जाके देश का नाम रोशन करेगा। तो जब ये रजत पदक हाथ में आया तो आई थिंक सबसे पहले एक सांत्वना आई, एक खुशी के साथ एक वो कहते हैं ना दायित्व निभाने की एक फीलिंग आई, क्योंकि बहुत खर्चा किया था इस बार सरकार ने, बहुत लोगों ने समय दिया था मेरे मेडल को, बहुत लोग जुड़े थे इसके साथ, शारीरिक रूप से भी जुड़े और भावनात्मक रूप से भी बहुत लोग जुड़े कि दीपा जाएं और मेडल लेकर आएं। तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे हिस्से मेडल आया और मैं उन सब की आशाओं पे खरी उतरी और अपने देश के लिए पहली भारतीय महिला बनकर ये मेडल लेकर आई। आप मेडल लेकर आए, वो लम्हा वाकई देश के लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अगर वो लम्हा आपको एक बार और मिले, उस रजत को आप स्वर्ण में तब्दील कर सकती हैं? बिल्कुल, मिले तो, क्यों, ये मिलता नहीं है। इस मेडल को लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये वो लम्हा है जिसे छीनना पड़ता है, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसको अपने हिस्से में लाना पड़ता है। तो आई थिंक कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि बेबी को गोल्ड पसंद है। बिल्कुल मैम, एक अहम सवाल खासकर पैरा ओलंपिक खेलों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए या राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाए, पैरा ओलंपिक खेलों को उतना सम्मान नहीं मिला है, लेकिन अब आप सिल्वर मेडल लेके आए हैं, तो देश की सरकारें हों या मीडिया की बात कही जाए तो इस पर अब ध्यान केंद्रित कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि अब पैरा ओलंपिक खेलों को उनका वाजिब सम्मान मिलेगा? जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि नीतियों के हिसाब से हमें काफ़ी सम्मान मिल चुका है, खेल नीतियाँ बहुत बेहतरीन बन गई हैं, नई नीतियों के तहत टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंदर हमें ट्रेनिंग भी मिली है, फंड्स भी मिले हैं, पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया रिवाइव हो गई है राव इंद्रजीत सिंह जी के तहत और एक बहुत बेहतरीन मौका मिला हिंदुस्तान के, भारत के झंडे के नीचे खेलने का, तभी तो इस मेडल का इतनी वैल्यू बन पाई, क्योंकि हमारी फेडरेशन कई दिनों से बंद थी और डर लग रहा था कि हम जब खेलने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम केवल एक आईपीसी के अडॉप्टेड एथलीट्स ना रह जाएं। तो खुशी है भारत का झंडा मिला और खिलाड़ी भी बहुत तैयार हो चुके हैं, बहुत टैलेंट है इंडिया में, बहुत ज़्यादा टैलेंट है और अब अच्छा लग रहा है कि कभी अखबारों में हम कई कॉर्पोरेट्स को हमारे को मुबारकबाद देते हुए देखते हैं, अलग अलग स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर्स ट्वीट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सर तो खुद हमें मिले हैं और उन्होंने हमारा उत्साह बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं एक लहर आ गई है अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस बढ़ेगी, फंडिंग बढ़ेगी, खेल नीतियाँ और सुचारू रूप से उस पर अमन करेंगी और आप जैसे बढ़िया चैनल इनके बारे में बात करेंगे तो जाहिर है ये पैरालंपिक का गोल्डन ईरा कह सकते हैं। आप हरियाणा की बात की जाए, जहां से आप खुद आती हैं सोनीपत से, हरियाणा में अगर लिंगानुपात देखा जाए तो सबसे कम है भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले, लेकिन इस बार हरियाणा की बेटियां ओलंपिक में कमाल किया, चाहे साक्षी मलिक की बात की जाए चाहे आपकी बात की जाए, तो इसके पीछे क्या फैक्टर है? फैक्टर देखिए ऐसा है कि ये वाकई एक पैराडॉक्स है कि ये सच में ये मुझे कंफ्यूज करता है कि
खिलाड़ी सबसे अच्छा बेहतरीन करें, या मैं भी आज बार बार कहती हूँ कि मैं भी खेल पाई क्योंकि मुझे हरियाणा जैसे प्रदेश का एक पीछे से सपोर्ट था, मुझे वहाँ से बहुत सराहना मिलती थी, खेलने की प्रेरणा मिलती थी, जब भी मैं जीतती थी मेरे गांव भैंसवाल के सरपंचों का मुझे फ़ोन आता था, कभी भी मुझे ये नहीं कहा गया कि आप बहू हैं तो साड़ी लपेट के ही आइए या पल्ला करके आइए। 200 से ज़्यादा गांव के लोग आधी रात को यहाँ पहुँचे हुए थे ढोल नगाड़े लेके, किसी ने नहीं कहा सर ढको, सब ने मुझे आगे से हाथों से पैर रखा और मैंने तो केवल ट्रैक सूट पहना था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेरा प्रदेश खिलाड़ी के रूप में एक महिला को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है और बहुत ज़्यादा करता है, उसी तरीके से एक आम जिंदगी में भी अगर हर लड़की को एक्सेप्ट किया जाए, तभी तो मैं कहती हूँ कि जो खेल हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बेहतरीन स्रोत हैं। जितनी भी लड़कियाँ खेलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके खेलेंगी, तो निजी जीवन में भी वो फिटनेस लाएंगी, कॉन्फिडेंस लाएंगी, एक आत्मविश्वास उनमें जगेगा, एक समाज में निकलकर एक हिम्मत बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वुमेन एम्पावरमेंट का एक वेव आएगी। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी अफसोस होता है कि ऐसा क्यों कहते हैं कि हरियाणा में लिंग का अनुपात कम है, क्योंकि जो भी बच्चियां खेल रही हैं वो तो बहुत खुशहाली में खेल रही हैं। जी बिल्कुल। हरी एक बात और, आपने अभी कहा कि आप भैंसवाल की बहू हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक पत्नी भी हैं और दो बेटियों की माँ भी हैं जी, उसके बाद खेल है, तो इन सब में आप सामंजस्य किस तरीके से बैठाती हैं? देखिए, बहुत सुनने में आता रहा मुझे कि मैंने अपना परिवार भी नेग्लेक्ट कर दिया या मैंने अपनी बच्चियां भी नेग्लेक्ट करी, लेकिन कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई भी सपना आप जब देखते हैं, तो वो पूरे परिवार का सपना होना चाहिए, उसमें सब जुड़ेंगे तो कभी भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि हम सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सोच डालने की ज़रूरत है, थोड़ी सी तैयारी डालने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत, जिसको अगर मैं कॉर्पोरेट भाषा में कहूँ तो टाइम मैनेजमेंट की एक कला है, अगर आप उसमें निपुण हो जाएं तो, और थोड़ा सा घड़ी देखने की ज़रूरत है, आलस को थोड़ा सा तोड़ने की जरूरत है। ये भी जा रहा था कि आप अपने बेटियों पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन मेरी बेटियां बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ी हुई हैं और मैं बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि मेरी बड़ी बिटिया भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं, मेरी बड़ी बिटिया भी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स जीत चुकी हैं और क्वीन ऑफ इंग्लैंड से बकिंगम पैलेस में उन्हें इंडिया का यंग लीडर चुना गया और मुझसे पहले वो प्रधानमंत्री जी से मिली हैं और उनके साथ भोज पे बैठी हैं। तो जैसे मेरी तो केवल चाय पे मुलाकात हुई, वो तो खाना खाकर आई है। तो और अभी बिल्कुल दो दिन बाद वो भारत की पहली शिष्या बनेंगी जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे PhD करने UK जा रही है। तो कहाँ ऐसा है कि मेरी बिटिया अच्छा नहीं कर रही, और जो मेरी छोटी बिटिया है वो भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और MBA के फर्स्ट ईयर में MBA कर रही है। तो दोनों बिटियाँ बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। तो बेटी बचा भी रहे हैं, बेटी खिला भी रहे हैं और बेटी पढ़ा भी रहे हैं, तो पीछे तो हम कहीं नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जीवन के कुछ पुराने पन्नों पर जाना चाहूँगा। जब कारगिल वॉर हो रहा था उस समय आपके पति देश के लिए मोर्चा ले रहे थे और दूसरी तरफ आपके भी जीवन का सबसे कठिन दौर था वो, तो उस दौर को आप किस तरीके से याद करती हैं? आई थिंक देखिए, दौर तो बहुत मुश्किल था क्योंकि बड़ी बिटिया का भी इलाज चल रहा था, उसकी भी हेड इंजरी की वजह से बाया साइड थोड़ा सा अपंगता की तरफ था और उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस चल रही थी, ऊपर से मेरे ट्यूमर वापस आ गए थे, छोटी बिटिया केवल 3-3.5 वर्ष की थी, बड़ी बिटिया का इलाज चल रहा था, मेरा खुद का नहीं पता चल रहा था कि ये सर्जरी में मैं जीवित भी रहूँगी क्योंकि 20-20, 22-22 घंटे की दो लगातार सर्जरियाँ हुई जो कि बचपन में ऑलरेडी हो चुकी थी। तो और क्लियरली कह दिया गया था कि इसके बाद आप नहीं चल पाएंगी, आपका छाती का निचला हिस्सा पूरा जाता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक हिम्मत यूँ बांधे रखी कि फौजी की बीवी थी और जिस फौजी अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था वहाँ पे ढेरों लोग अपना कोई हाथ कटा चुका था, कोई पैर कटा चुका था, कोई आँख गंवा चुका था, उनको कोई बीमारी नहीं थी, उन्हें कोई ट्यूमर नहीं आ रहे थे, लेकिन केवल अपने देश की रक्षा में उन्होंने ये अपने शरीर के अंग दिए थे। तो फिर मुझे बड़ा छोटा लगता था ये सोचना कि मैं तो बीमारी की वजह से अपने अंगों को रो रही हूँ। तो ईश्वर ने मुझे एक ऐसी जगह रख कर
अपंगता की ओर डाला कि जाने से पहले ही मैं बहुत प्रेरणा से भर चुकी थी, मुझे वो चीज छोटी लगने लगी थी। आपका जीवन इतना अनुशासन में है, इसके पीछे आपका जो आर्मी बैकग्राउंड है। बिल्कुल, आर्मी का जो एक रूटीन रहा है, हमने हमारे अक्सर देखते देखे ऐसा होता है कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे ये बने या ये बने या ये करें, लेकिन अमूमन देखा गया है कि बच्चे माँ बाप के सिखाने से नहीं सीखते, माँ बाप जो कर रहे हैं उसे देख कर सीखते हैं। तो एक जीवंत उदाहरण हमारे माँ बाप ने हमारे घर में ही रखा, और उसका बहुत श्रेय जाता है एक आर्मी के रूटीन को, क्योंकि हमने हमेशा समय की इज्जत करना सीखा, हमने हमेशा अनुशासन में रहना सीखा, हमने समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सोना सीखा। तो कहीं ना कहीं वो जो टाइम मैनेजमेंट की और पंचुअलिटी की हैबिट थी, वो मुझे इस अपंगता को भी मात करने में मदद हुई, और दूसरी चीज़ खेलों में भी वो अनुशासन में बहुत अच्छे तरीके से ला पाई, तभी मैं इतनी तरक्की कर पाई। और फौज में एक और चीज़ होती है प्लान बी का कंसेप्ट, मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर सपोज़ लड़ाई लड़ते हैं और ये टेक्निक काम नहीं करती तो हम दूसरा बैकअप प्लान ये लेके चलेंगे। तो वो जो बैकअप प्लान लेके चलने की एक हैबिट है, उसने मुझे अपंगता में भी मदद करी, घर चलाने में भी मदद करी, क्योंकि मैं हमेशा अगले 3 दिन की तैयारी करके रखती हूँ। कई बार ऐसा हो जाए कि मेरे को समय ना मिले, या मैं खेलों में बिजी हो जाऊँ, या हो सकता है घर में मददगार जो लोग आते हैं काम करने वाले वो ना आए या लेट हो जाएं। तो हमारे घर में खाने के लिए इतना सामान होना चाहिए, पीने के लिए इतना पानी होना चाहिए, तो जिसे हम कहते हैं कि तैयारी रखने की आदत फौज ने दे दी। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल आपसे जी, ऐसे समय में जैसे 17 साल से व्हील चेयर पे होना, लोगों की हिम्मत टूट जाती है, सोच कर भी हिम्मत टूट जाती है, और कई लोग कहते हैं कि हमें इतनी मदद नहीं मिल रही है इसलिए हम ये नहीं कर पाए, और कई लोगों को मौका नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए आज आप एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश मैं ये देना चाहूंगी कि प्लीज बहाने मत बनाइए या बहानों पे मत जिए, क्योंकि मैं तो एक हाउसवाइफ थी और मैं एक ऐसे माहौल से थी जिसमें कभी मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे निकल के धूप में या मैं खेलूंगी, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को सब कुछ हाथ में मिला है। मैंने बार बार अपने लिए मौका ढूंढा है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है, और आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने घर का एक भी रुपया मेरे किसी भी कार्य में नहीं लगाया, पहले मैंने उसे कमाया है, क्रिएट किया है, और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया है। बाइकर बनना था तो मैंने बहुत सारी अपील्स करी, मैंने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, मैंने कॉर्पोरेट फंडिंग ली, उसके बाद मेरी बाइक बनी। बाइक बनाने के लिए भी मुझे 2 साल लग गए क्योंकि मैं जगह जगह दर बदर भटकी, लेकिन क्योंकि मेरी मेहनत में ईमानदारी थी वो बाइक चली, उस पर लिम्का रिकॉर्ड भी बना और वो MTV रोडीज में भी चली, तो वहाँ तक उस स्तर तक मैं पहुँची। स्विमिंग करी तो भी स्विमिंग में इतनी मेहनत करी कि मैंने यमुना नदी पार करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जब कार रैली करी तो भी लोगों का विश्वास जीता बात, क्योंकि मुझे 19 महीने केवल लाइसेंस बनाने में लगे, तो ऐसा नहीं कि मेरे को हर चीज़ हाथ पे मिली। खेलों में उतरी तो फिर नीतियों पे काम किया ताकि हमें बराबर कैश अवार्ड मिल सके, ताकि उस पैसे से मैं और आगे खेल सकूं। जब फंड बिल्कुल नहीं मिले तो मोटिवेशनल स्पीकिंग के गुण सीखे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं आज रात को सोई और अगले दिन मैं स्पीकर बन गई, मुझे उसकी पढ़ाई करनी पड़ी, मुझे उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, मुझे सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही जाके मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो मैंने हमेशा एक सॉल्यूशन मोड में अपने आप को रखा है, एक तरीका ढूंढा है आगे बढ़ने का। तो आप वो अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, वो तरीके ढूंढिए, हिम्मत रखिए, और सबसे बड़ी बात खुश रह के करिए, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, खुश रह के करिए, हिम्मत रखिए, और अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करके आगे बढ़िए। कहना है एक स्विमर, एक बाइकर, एक पत्नी, एक माँ, एक सफल वक्ता दीपा मलिक जी का। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मेट्रो TV।